So, hello everyone, myself Prashant Degi, now you're watching Life Science YouTube channel. दोस्तों आज है National Science Day, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. सबसे पहले तो आप सबों को इस दिन की बधाइयां. और इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप अभी से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की कंटेंट लेकर आता रहता हूं, जिससे कि आपको अपनी एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में आपकी नॉलेज बिल्ड हो सके, आप लोगों को हेल्प हो सके. तो चलिए इस चीज को अच्छी तरह से शुरू करते हैं. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान में होने वाले सभी लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच को पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण ही मनाया जाता है. इस खोज की घोषणा वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी उर्फ सर सी वी रमन ने 28 फरवरी सन 1928 में ही की थी. इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. यह किसी भी भारतीय व एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था. प्रौद्योगिक विभाग सहित अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं विज्ञान दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है. विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना ये बहुत ही अहम भूमिका है. तो चलिए समझते हैं क्या है रमन प्रभाव. 1920 के दशक में सर एक बार जब स्वदेश लौट रहे थे तभी उन्होंने भूमध्य सागर के जल में अनोखा सा नीला और दूधियापन देखा गया. कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर सर ने पार्थिविक वस्तुओं में प्रकाश बिखेरने का नियमित अध्ययन शुरू किया. लगभग 7 वर्ष बाद वह रमन प्रभाव के नाम से वह उनकी जो खोज थी वो विख्यात हुई. इस तरह रमन प्रभाव का उद्घाटन हो गया और 28 फरवरी 1928 को इस खोज की घोषणा हुई थी. रमन प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणों को अणुओं द्वारा हटाए जाने वाले प्रकाश अपने तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है. प्रकाश की किरण जब साफ पारदर्शी रासायनिक मिश्रण से गुजरती है तो बीम की दूसरी दिशा में प्रकाश का छोटा सा अंश उभरता है. इस बिखरे हुए प्रकाश का ज्यादातर हिस्सा का तरंग दैर्ध्य पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता. हालांकि छोटा सा अंश मूल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अलग तरंग दैर्ध्य वाला होता है और उसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम है. तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इस क्लिप के माध्यम से समझाइए दोस्तों. आई होप कि आपको ये क्लिप, मतलब मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको ये थोड़ी सी हेल्प रही हो, आपकी नॉलेज बिल्ड हो सकी हो. तो चलिए इस दिन पर हम शपथ लेते हैं कि क्यों ना हम अपने जीवन में साइंस का इस्तेमाल करके इस देश के लिए कुछ करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़े. तो प्लीज अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मैं इस तरीके की कंटेंट लाता रहता हूं और मेरे नेक्स्ट क्लिप का इंतजार करें. थैंक यू सो मच.